चमार हूँ भूखा नहीं मरूंगा। नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चमकीला में जब दिलजीत ये डायलॉग बोलते हैं तो समाज में पसरे गहरे जातिवाद को उजागर कर देते हैं। लेकिन क्या पंजाब के पहले रॉकस्टार अमर सिंह चमकीला पर बनी फिल्म चमकीला वाकई जाति की सवाल को उठाती है? एक चमार जाति के गायक ने ऐसा क्या किया था जो उस पर नेटफ्लिक्स ने फिल्म बना डाली? क्या इम्तियाज अली ने भी बाकी फिल्म निर्माताओं की तरह बड़ी ही चालाकी से जाति के सवाल को गोल गोल घुमा दिया है? लाइट्स कैमरा कास्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाल ही में आई फिल्म अमर सिंह चमकीला के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पंजाब के मशहूर सिंगर अमर सिंह चमकीला एक दौर में अपनी आवाज से हर किसी के दिलों में उतर जाते थे और वो पूरे पंजाब पर राज किया करते थे। उनके शोज की बेहद तगड़ी बुकिंग होती थी। उन्हें पंजाब का पहला रॉकस्टार भी कहा जाता था। हालांकि महज 27 साल में ही उनकी हत्या कर दी गई थी, उनको गोली मार दी गई थी। इसी कहानी पर मशहूर फिल्म निर्माता इम्तियाज अली ने चमकीला नाम से फिल्म बनाई है जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म में चमकीला का किरदार मशहूर पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ ने निभाया है, जबकि चमकीला की पत्नी अमरजोत का किरदार अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने निभाया है। फिल्म की खूब तारीफ हो रही है। दिलजीत और परिणीति की एक्टिंग से लेकर इम्तियाज अली के डायरेक्शन तक, फिल्म के स्क्रीन प्ले से लेकर म्यूजिक तक, हर कोई फिल्म का दीवाना हो गया है। अपने आप में ये फिल्म सुपरहिट साबित हो रही है और फिल्म को भर भर के तारीफें भी मिल रही हैं। लेकिन फिल्म की कामयाबी के बीच जो एक सवाल दब गया है वो है जाति का सवाल। जी हाँ, इस फिल्म में जाति के सवाल को गोल कर दिया गया है। अमर सिंह चमकीला चमार जाति से आते थे और पंजाब में जिस तरह से जातिवाद होता है वो किसी से छुपा नहीं है। चमकीला की हत्या के पीछे उसकी जाति भी एक कारण मानी जाती है, लेकिन फिल्म इस बारे में एकदम चुप्पी साध लेती है। पूरी फिल्म में बस एक सीन है जहां चमकीला की जाति का जिक्र होता है। एक सीन में जब चमकीला के इवेंट कराने वाला इवेंट मैनेजर उसे धमकी देता है कि अगर मैं तुझे काम ना दूं तो तू भूखा मरेगा, तो चमकीला जवाब देता है कि चमार हूं पर भूखा नहीं मरूंगा। बस एक सीन में चमकीला के मुंह से उसकी जाति का जिक्र कराया गया है। बाकी पूरी फिल्म में कहीं भी जाति के सवाल को टच भी नहीं किया गया, जबकि हकीकत यह है कि जाति भारत की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप अपना नाम भले ही भूल जाएं, लेकिन समाज आपको आपकी जाति कभी नहीं भूलने देता। लेकिन फिर भी इम्तियाज अली ने जाति के सवाल को छूना जरूरी नहीं समझा। अमर सिंह चमकीला कौन थे उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को डुगरी गाँव लुधियाना में हुआ था। चमकीला चमार जाति में पैदा हुए थे और उनका असली नाम दुन्नी राम था, लेकिन स्टेज नाम चमकीला पड़ा। चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अब तक के सबसे कामयाब और मशहूर सिंगर हुए हैं। वो तुम भी बजाते थे, तुम भी उनके बाद ही फेमस हुई है पंजाब में। हालांकि चमकीला पढ़ाई करने के बाद इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें नौकरी एक कपड़े की मिल में मिली जहां वो जुराब बनाने का काम किया करते थे। उन्हें संगीत का शौक था तो कुछ सालों में वो हारमोनियम और ढोलकी बजाना भी सीख गए। 18 साल की उम्र में उनका मिलना सुरेंद्र शिंदा से हुआ। तब सुरेंद्र को पता लगा कि अमर सिंह कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने होनहार हैं। फिर सुरेंद्र और अमर ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। अमर सिंह ने अपने नाम के आगे चमकीला लगा लिया था। चमकीला उन दिनों गाने लिखा करते थे, लेकिन गाना लिखने से घर नहीं चल पा रहा था, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने ओपन स्टेज पर गाना शुरू कर दिया। चमकीला गांव के रहने वाले थे और चमार जाति से आते थे, इसलिए वो ग्रामीण परिवेश को बेहतर तरीके से जानते थे। इसलिए जब वो गाने लिखते तो उनके गानों में गांव की जिंदगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बुढ़ापा, घर में महिलाओं की बुरी स्थिति, पत्नियों के साथ घरेलू हिंसा, खाने और पीने के लिए तरसते बच्चे, समाज में नशाखोरी और दारूबाजी, ये तमाम समस्याओं का जिक्र उसमें होता था। क्योंकि ये जो आम जनजीवन में होता है, जिन मसलों पर लोग बोलने से कतराते हैं, वैसी बातें चमकीला के गानों में होती थी। लोगों का आरोप था कि चमकीला के जो गाने हैं वो ऐसे हैं कि उन्हें अकेले में तो सुना जा सकता है, लेकिन परिवार के सामने नहीं सुना जा सकता, क्योंकि उसके गाने फूहड़ होते हैं और अश्लील होते हैं। फिल्म में चमकीला के गानों में अश्लीलता के बारे में खूब दिखाया गया है। तेरी माँ की तलाशी लेने की बापू साडा गुम हो गया, इस तरह के गानों को दिखाया गया है। चमकीला की मौत के पीछे अश्लीलता को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। उसके बार बार उसके गानों के बारे में बताया गया है कि कैसे समाज का एक तबका, धार्मिक जो तबका था, जो ठेकेदार तबका था, जो लोग थे, उससे नाराज हो जाते हैं, उसको धमकी देते हैं, उसको धमकाने के लिए जाते हैं, उसको गुरुद्वारों में बुलाकर उसको कस्में खिलवाई जाती हैं, वादे दिलाए जाते हैं कि तुम ऐसे गाने नहीं गाओगे, और तमाम तरीके से उसे डराया
धमकाया जाता है, इस बारे में फिल्म बात करती है, लेकिन जाति के बारे में कोई जिक्र नहीं होता। जबकि कहीं ना कहीं चमकीला का चमार होना भी समाज के ठेकेदारों की नजरों में खटक रहा था। एक तो चमकीला चमार था, दूसरा वो सुपरहिट गायक था। उसके गानों की कैसेट ब्लैक में बिका करती थी ऐसा माना जाता है। उस समय बताते हैं कि जो भी वो गाया करते थे, किसी भी तरह के उसके गाने होते थे, उसकी कैसेट्स को ब्लैक में बेचा जाता था, दुगनी तिगनी कीमत पर वो बिका करती थी। इतनी पॉपुलैरिटी थी चमकीला की, एकदम मशहूर थे वो पंजाब में। उसके अखाड़ों के लिए जो वो कार्यक्रम होते थे उसको अखाड़ा कहते थे, लड़ाइयाँ हो जाया करती थी कि हमारे यहाँ पर अखाड़ा होगा। उसके अखाड़ों के बिना शादी ब्याह नहीं हुआ करते थे, उसके हिसाब जो है लेते हुए बहुत बे इंतहा उस पर भीड़ होती थी और उसके पास बे हिसाब पैसा भी आता था, भर भर के पैसे आते थे। और यही वजह थी कि ना सिर्फ पंजाब के बाकी लोक कलाकार बल्कि समाज के ठेकेदार भी उससे चिढ़े हुए थे। चमकीला ने चमार जाति से होने के बावजूद भी जट जाति की अमरजोत से लव मैरिज कर ली थी और अमरजोत उनकी सिंगिंग पार्टनर थी जो स्टेज पर हजारों लोगों के सामने चमकीला के साथ गाया करती थी। वही गाने जिनको लोग अश्लील कहते थे लेकिन सुनने के लिए हजारों लोग आते थे, घरों पर चढ़ जाते थे, छतों पर चढ़ जाते थे और इतनी भीड़ हो जाती थी कि कई बार छत टूट जाती थी तो उनको कोठा तोड़ गायक कहा जाता था कि ये कोठे यानी जो छत है, घर है, वो टूट जाते, इतनी भीड़ आ जाती है। और लेकिन जो गायक उनकी पार्टनर थी, सिंगिंग पार्टनर थी अमरजोत, वो जाटों की लड़की थी। जाटों की लड़की एक चमार के लड़के के प्यार में पड़कर यूं स्टेज पर कथित अश्लील गाने गाए, ये भला समाज के ठेकेदारों का उनको कहाँ पसंद था, उनको कहाँ अच्छा लगता था। इसलिए ये भी आरोप लगता है कि दरअसल चमकीला और अमरजोत की हत्या एक ओनर किलिंग का मामला था, लेकिन इम्तियाज अली की फिल्म इस बारे में कोई बात नहीं करती। वो ओनर किलिंग और कास्ट के मसले पर कोई ध्यान नहीं देती, बल्कि उसका सारा फोकस समाज की खोखलेपन पर, उसकी बनावट पर, समाज में फैले अफेयर्स पर और दोगलेपन पर है, लेकिन जाति के बुनियादी सवाल को वो इग्नोर कर देते हैं। राउंड टेबल वेबसाइट पर अपने आर्टिकल में प्रदीप अत्री लिखते हैं कि अगर कथित ऑफेंसिव सॉन्ग्स की वजह से चमकीला को मारा गया तो फिर उन गायकों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई जो आज भी बेहद फूहड़ और महिला विरोधी गाने गाते हैं। सवाल बिल्कुल जायज़ है, ऐसे बहुत से गायक हैं जो महिलाओं के बारे में बहुत ही घटिया गाने गाकर ही मशहूर हुए हैं लेकिन फिर भी उनका करियर चल रहा है। लेकिन दलित जाति से आने वाले चमकीला की शोहरत कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि चमकीला साल के 365 दिनों में 366 शो किया करते थे, यानी रोज वो शो किया करते थे, रोजाना उनका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हुआ करती थी क्योंकि उनकी गायकी का हर कोई दीवाना था। और यही वजह थी कि चमकीला की गायकी ने पंजाब के बाकी गायकों को पीछे छोड़ दिया था। चमकीला के कार्यक्रमों में बेतहाशा भीड़ उमड़ती थी और म्यूजिक कंपनियां उनके पीछे पीछे घुमा करती थी। चमकीला जिन महफिलों में गाते थे उन्हें अखाड़ा कहा जाता था। इन्हीं अखाड़ों के चलते चमकीला 4-5 साल में ही हर पंजाबी के सिर पर चढ़ गए थे। कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला को लोग इतना चाहने लगे थे कि पंजाब में बाकी सिंगर्स को काम मिलना ही बंद हो गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा भी गया है कि यही कारण था कि कुछ पंजाबी गायकों ने मिलकर चमकीला को मारने का प्लान बनाया था ताकि उनका करियर बन सके। ऐसा कहा जाता है कि एक दलित सिंगर के इतना कामयाब होने से कथित ऊंची जाति के गायकों को खूब जलन हो रही थी। 27 साल की उम्र में चमकीला की बर्बर हत्या कर दी गई थी। हालांकि उनकी हत्या के पीछे कौन था इसका खुलासा कभी नहीं हो सका। 8 मार्च 1988 की तारीख थी। जलंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर मैसामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचे थे। साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थी। लोगों की भीड़ जमा थी। अमर सिंह चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे, वो स्टेज की तरफ जा रहे थे कि तभी उस भीड़ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आए। तीनों के हाथ में हथियार थे। वो लोग चमकीला और उनकी टीम की तरफ निशाना साधकर अंधाधुंध गोलियां दागने लगे। इस गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और 2 अन्य म्यूजिशियंस की मौत हो गई। किसी ने इस हत्या को आपसी रंजिश कहा तो किसी ने कह दिया कि ये मर्डर उग्रवादियों ने करवाया था। कोई इसे ओनर किलिंग बताता रहा तो कोई इसे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बाकी सिंगर्स की जेलसी का रिजल्ट बताता रहा। अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या को लेकर पुलिस की जांच शुरू तो हुई थी लेकिन न कातिल का पता चला और न ही हत्या की वजह साफ हुई। कोई कुछ कहता रहा तो कोई कुछ और। इस तरह किस्से कहानियों में अब अमर सिंह चमकीला अमर हो चुका है
लेकिन नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म जो इम्तियाज अली ने बनाई है, ये चमकीला की बेहद शानदार फिल्म है। उसके बावजूद ये सवाल है कि जाति का जो सवाल था उसके लिहाज से इस फिल्म को हम खराब ही मानेंगे, जानबूझकर जाति के सवाल को डाइल्यूट कर दिया गया है। बेहतर होता कि अन्य कारणों के साथ साथ जाति के एंगल को भी थोड़ा और स्पेस दिया जाता और इस क्रूर व्यवस्था को उजागर किया जाता कि कैसे जाति ने भी इस पूरे के पूरे हत्याकांड में अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि एक दलित व्यक्ति के जाति से होने की वजह से, दलित जाति के होने की वजह से जिस तरह से चमकीला को भेदभाव का सामना करना पड़ा और फिर उसको वो दंश भी झेलना पड़ा और बाद में उसकी हत्या में एक ये भी कारण रहा। इस बारे में अगर फिल्म बात करती, जाति के सवाल को थोड़ा उजागर करती तो बेहतर होता, लेकिन इम्तियाज अली गोल गोल करके घुमा गए और बाकी खोखलेपन पे, इस तरह की बातों पे वो अपना ज़्यादा फोकस कर गए। इसलिए इस फिल्म के बारे में, जाति के सवाल के बारे में हम कहेंगे कि ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं बन पाई जितनी अच्छी ये बन सकती थी। जाति भारत की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन अफसोस है कि इम्तियाज अली जैसे फिल्म निर्माताओं को ये सच्चाई दिखती ही नहीं, या वो जानबूझकर अपनी आंख बंद कर लेते हैं ताकि जाति की गंदगी ना वो खुद देखे और ना कोई और देख सके। इस वीडियो में इतना ही साथियों, लाइट्स कैमरा कास्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।